अर्जुन मुंडा जी हैं, कल देश का आम बजट सर पेश हुआ है, इससे आपके मंत्रालयों आपके मंत्रालय को जनजातीय समाज को कितना लाभ होगा? देखिए कल जो बजट पेश हुआ है लोकसभा में, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने, मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक बजट है, और मैं ही नहीं समझता हूँ बल्कि पूरा देशवासी 2021-22 के बजट को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से स्वागत किया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का एक विजन प्रस्तुत करते हुए 130 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की प्रस्तुति है। इस बजट के अंदर जहां स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए भौतिक एवं वित्तीय पूंजी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, आकांक्षी भारत के लिए एक समावेशी कार्यक्रम, मानव पूंजी को ऊर्जा रहित बनाना, ऊर्जावान बनाना, और साथ ही साथ नवाचार, अनुसंधान एवं विकास यानी R&D पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। वहीं न्यूनतम सरकार अधिकतम, जिसे कहा जाए शासन, इस बात को सुनिश्चित करते हुए पूरे बजट को जन उपयोगी, लोक उपयोगी और राष्ट्र उपयोगी के रूप में प्रस्तुत किया गया। आपको बताते हुए कि इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व आधारभूत संरचना पर बल दिया गया है, क्योंकि वैश्विक कोरोना के बाद एक चुनौतीपूर्ण कार्य को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश ने इस तरीके से अपने अभियान को चलाया है कि हम इसी कड़ी में अपने उन साधनों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदृढ़ बनाएं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता लेकर के आए। तो स्वास्थ्य को बहुत प्रमुखता के साथ रखा गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर से बेहतर कैसे हो, इसका ध्यान रखा गया, और पूरे देश भर के उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को विशेष तौर से जहां जनजातीय समुदाय अधिकतर रहते हैं, आकांक्षी जिला के नाते भी और ट्राइबल एरिया के नाते भी बहुत महत्व दिया गया। उन क्षेत्रों के समस्त कार्यक्रमों को विशेष रूप से चिन्हित करते हुए, गैप एनालिसिस करते हुए कैसे पूरा किया जाए, यह सुनिश्चित करने का काम किया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को लेकर इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा को बहुत अधिक बल दिया गया है, और खास करके यदि हम बात करें ट्राइबल एरियाज के, तो आपने देखा होगा माननीय वित्त मंत्री ने इस बात का उल्लेख करते हुए जनजातीय विकास के बारे में अपने उद्गार अपने भाषण में यह अभिव्यक्त किया कि हम ब्लॉक लेवल तक ऐसे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट और ट्राइबल एरिया के उन चीज़ों को सही तरीके से सुनिश्चित कर सके जिससे कि भारत का गांव प्रतिबिंब हो। और जैसे आपने कहा एकलव्य मॉडल स्कूल EMRS हमारा जो बन रहा है, हम एक 3 वर्षीय प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं, जिसमें EMRS अब कुल 750 EMRS हो जाएंगे, और उसकी लागत को बढ़ा दिया है। पहले 20 करोड़ की लागत थी, अब 38 करोड़ की लागत की गई है,
सामान्य क्षेत्रों के लिए, और जो दुर्गम क्षेत्र है उसके लिए 48 करोड़ की राशि करणांकित की गई है प्रत्येक विद्यालय के लिए। इसके अलावा जो रेकरिंग कॉस्ट है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है पर स्टूडेंट, हमारा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी हमने बढ़ाया है। और साथ ही साथ अन्यान्य जो हमारा ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से या ट्राइबल एरियाज़ के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से अधिकांश आधारभूत संरचना के साथ साथ उन क्षेत्रों के उन कार्यों को, चाहे वो पेयजल में पाइपलाइन वाटर सप्लाई में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो फार्मर के लिए हो, चाहे वो रोज़गार के लिए हो, चाहे वो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुविधाएं देने वाले हो, सब चीज़ में बढ़ोतरी की गई है। और यह ध्यान में रखा गया है कि वो क्षेत्र के रहने वाले लोगों को पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले, जिससे हम इस देश का आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया वो संकल्प पूरा हो। तो यह आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प का एक बहुत उत्तम प्रस्तुति बजट के माध्यम से किया गया। आखिरी सवाल, जो आदिवासी छात्र हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी ये सबसे तो? नहीं, यह तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं कह रहा हूँ ना, EMRS के लिए जो हमने कहा। इसके अलावे अन्य ऐसे शिक्षण संस्थानों में अभी हमारा एक कार्यक्रम बन रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम हमारे मिनिस्ट्री से, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से मिल करके बहुत सारे ऐसे आयोजना के माध्यम से, ऐसे प्लानिंग के माध्यम से कि यह कार्य पूर्ण रूप से जनजातीय समुदाय को लाभ देने वाला कैसे हो, यह सुनिश्चित करना है इस बजट के माध्यम से। बातचीत के बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए अर्जुन मुंडा, जो बता रहे थे कि इस बार जो आम बजट पेश हुआ है उससे जनजातीय समाज को किस तरह फायदा होगा। दिल्ली से ETV भारत झारखंड के लिए मैं शशांक कुमार।